दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। लो आ गई पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल, एक लीटर में चलेगी 500 किलोमीटर, कीमत है सिर्फ इतनी। वाहन आज हर इंसान की जरूरत और चाहत बन गई है। हर कोई चाहता है कि उसके पास महंगे से महंगी गाड़ी हो और उसमें वह पूरे दिन बैठकर घूमे, लेकिन इंसान की है इच्छाएं अधूरी रह जाती है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमत के कारण। एक तरफ जहां पेट्रोल की कीमत 85 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को चौंकाने वाला एक कारनामा हो चुका है। आपने कई बार यह सुना होगा और सोचा भी होगा कि काश आपकी गाड़ी पानी से चले और पेट्रोल डालने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के एक व्यक्ति ने आपकी इस इच्छा को पूरा कर दिया है। यह व्यक्ति अपनी असल जिंदगी में मोटरसाइकिल और गाड़ियों से बेहद प्यार करता है और इसका नाम रिकॉर्डो एजवेडोस है। खबरों की माने तो इस व्यक्ति ने एक ऐसी मोटरसाइकिल इजाद कर ली है जो पानी से चलती है। यह व्यक्ति ब्राजील के साओ पाउलो में रहता है और मोटरसाइकिलों का काफ़ी शौक रखता है। हैरानी की बात तो यह है कि यह मोटरसाइकिल एक लीटर पानी से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह माइलेज वाकई बेमिसाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस मोटरसाइकिल में एक बैटरी भी लगी है और यह मोटरसाइकिल पानी और बैटरी दोनों के जोर से चलेगी। इसको बनाने वाले ने इस मोटरसाइकिल का नाम पावर H2O रखा है। जब इस मोटरसाइकिल में एक लीटर पानी डाला जाएगा तो यह बैटरी की मदद से हाइड्रोजन गैस बनाती है और उसी से 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। हाइड्रोजन गैस को ईंधन की तरह गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यह मोटरसाइकिल टेस्ट होने के लिए गई है। अगर यह सभी टेस्ट पास कर लेती है और सफल हो जाती है तो वाकई है मोटरसाइकिल और दुपहिया वाहनों में एक क्रांति ला सकती है। फिलहाल बातें की जा रही है कि यह मोटरसाइकिल शायद सभी टेस्ट पास ना कर पाए, लेकिन बनाने वाले का दावा है कि भविष्य में वह इसे तकनीकी मदद से जरूर सफल करके दिखाएगा। खबरों की माने तो यह मोटरसाइकिल 50,000 रुपये से भी कम कीमत पर बाजार में आ सकती है।